नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन पैनिक सेलिंग देखा निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी नीचे है कंपैरेटिवली, लेकिन जो कल का क्लोज था, मतलब इतना डिफरेंस नहीं आया जो कल के हाई के आसपास ही। एक्चुअली वो बहुत टाइम मंडराया, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा जाते जाते नीचे दिया, लेकिन उससे इतना प्रॉब्लम नहीं था। ऊपर जाके नीचे ही ये बात सही है, लेकिन उतना ऊपर नहीं गई। मैंने कल एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी 48,000 जाएगी, लेकिन निफ्टी में कहीं पे सपोर्ट हमको मिला नहीं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी था कि अगर ये एक 15 मिनट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में वापस 5 मिनट में जाता हूँ, अगर ये टाइम एंगल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है और ये टाइम एंगल अगर क्रॉस हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 47,800 तक बैंक निफ्टी श्योर शॉट जाएगी। लेकिन इसके ऊपर गई, और मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट में दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो क्या हुआ, कि मैं भी थोड़ा सा ये हो गया। जैसे ही इसने ये टाइम एंगल के ऊपर गई, टाइम एंगल के ऊपर जाने के बाद एक ही कैंडल ने सब गेम खत्म कर दिया। एक कैंडल ने गेम किया खत्म, और बाद में नीचे आया। नीचे आया तो नीचे एक्चुअली थोड़ा सा वापस वही प्रॉब्लम कि टाइम एंगल के ऊपर ही थोड़ा सा सस्टेन हुआ। अगर टाइम एंगल पे आता तो वापस एक अच्छा मौका मिलता था यहाँ पे अच्छा बाइंग करने का, लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग हुई थी तो ऐसे लगा कि थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे में ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शंस प्रीमियम बहुत फटाफट घटते हैं, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम लेगी। लेकिन टाइम तो लिया, लेकिन वो प्रॉपर सपोर्ट पे भी नहीं आई और वापस ऊपर की तरफ निकल गई। अब क्या हुआ, जैसे ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो यहाँ पे मैंने टाइम एंगल लगाया, तो ये टाइम एंगल के नीचे एक तो शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग में सिर्फ, मतलब छोटी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे अगर ये टाइम एंगल टूटता तो ही सेलिंग जोर से आती थी, जो उसने क्या किया कि वापस एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। वापस होप जो थी कि अरे यहाँ पे आने के बाद एक बार वापस जैसे कि ऊपर की तरफ अगर जाएगी ये टाइम एंगल के ऊपर सस्टेन होने के लिए, तो यहाँ पे वापस उसने वही गड़बड़ की और टाइम एंगल पे एग्जैक्ट जाके रुक गई। और वहां से थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद जो सेलिंग आई वो वन वे सेलिंग हुई। अब यहाँ पे एक गड़बड़ ऐसी है कि यहाँ पे आप अगर तेजी में हो तो तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं खुद अगर मैं यहाँ पे तेजी में था, लेकिन मैं पोजीशन स्क्वेयर अप नहीं कर पाया, सच बोलूँ तो। वट एवर इट मे बी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात चीज़ है कि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी अगर यही टाइम एंगल, देखिए मैंने मैंने जैसे कि बोला ये टाइम एंगल के नीचे गया तो ही सेलिंग है। अगर आप प्रॉपर देखते हो तो बैंक निफ्टी ने देखिए ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं मारा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये लो टूट सकता है। तो लो तो टूटा है, दैट मीन्स सेकेंड जो लो बनेगा कहीं पे भी, मतलब अगर यहाँ पे बना ये टाइम एंगल के आसपास बना, ये टाइम एंगल मैंने कहाँ से डाला वो भी बता देता हूँ कि एक तो कैसा रहता है कि यहाँ अगर आप प्रॉपर देखते हो तो ये एक हाई बना है, उसके ऊपर ये हाई बना है, तो उसके बीच का जो लो रहता है, तो ये लो और ये लो सभी का है। आप यहाँ से अगर आप देखते हो तो 46,700 दिख रहा है, और ये थोड़ा सा अगर आपने इसको एडजस्ट किया तो 46,650 आ रहा है, तो मैंने 46,600 का सपोर्ट लिखा है। तो टाइम एंगल जो है, आप 46,600 से लेकर 700 का एक जोन पकड़ सकते हो। तो टाइम एंगल में अगर समझो ये नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से ये एंगल के नीचे आया, खुला, और अगर ये ओपन होके अगर वापस एंगल रिवाइव किया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक बाइंग का मौका बनेगा। क्योंकि जो भी
ये लो के नीचे, ये लो जो बनेगा सेकेंड लो के नीचे ही सेलिंग आने वाली है, और वो सेकेंड लो कहीं पे भी ये इस टाइम एंगल के आसपास बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे अगर नहीं बना तो बेस्ट है, ओपन ऊपर हुआ तो और भी बेस्ट है, लेकिन समझो ऊपर ओपन हुआ तो वापस एक बार डायरेक्ट ऊपर हुआ तो यहाँ पे एक बार वापस सेलिंग का मौका आएगा और इसके ऊपर ही थोड़ा सा तेजिंग करेगा। तो मैं ये बोलूँगा तेजी यहाँ पे करना और थोड़ा सा अगर मंदी करना है तो यहाँ पे करना और इसके ऊपर वापस छोटा सा स्टॉप लॉस से तेजी का ट्राई करना। तकलीफ ये होती है कि अगर ये क्रॉस नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ, और बैंक निफ्टी के आज एक्सपायरी की वजह से इतनी वोलेटाइल मूवमेंट थी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये समझने के बाद जैसे हिट होता है नेक्स्ट टाइम 100 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी एक सेकेंड में जाती है, वापस 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आती है। तो आज का वोलेटाइल डे छोड़ दीजिए, कल से नॉर्मल थोड़ा सा आएगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी उतना ही वोलेटाइल रहती है निफ्टी के दिन भी, क्योंकि आज निफ्टी में तो बहुत पिटाई हुई है, तो निफ्टी के कुछ शेयर्स अलग से वो पिटाई हुई है। न्यूज़ थोड़ी सी अमेरिका से थी कि एनवीडिया का जो स्टॉक है उसका आज रिजल्ट है आज रात को, तो क्या होता है देखेंगे। उस रिजल्ट के बेस के ऊपर अमेरिका का मार्केट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नैसडैक की मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से अभी देखेंगे कल क्या होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर ट्रेड करना है तो बाइंग इस लेवल पे, सेलिंग इस लेवल पे, और इसके ऊपर छोटा स्टॉप लॉस से बाय का कोशिश कीजिए, मिला तो फिर 47,800 तक मिलेगा। बैंक निफ्टी में डरने की ज़रूरत नहीं, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। ओके, तो मैं अभी आपको निफ्टी में फटाफट लेके जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम में आज लेट हो गया वो ठीक है। देखिए निफ्टी में पैनिक सेलिंग आई, अगेन वही हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो एक सेकेंड ना, ये आज का मार्केट है। आज का मार्केट में आपको मैं बताता हूँ, ये कल का जो, कल नहीं परसों का जो हाई था वहां से मैंने जो ये टाइम एंगल डाला है, अगर आप इस टाइम एंगल को देखते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसे सेम जैसे बैंक निफ्टी ने दिखा वैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैं एंटिसिपेट किया कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर चली जाएगी तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया, लेकिन जो गड़बड़ किया टाइम एंगल के अंदर आई, यहाँ पे बहुत टाइम बिताया। मैं बोला कि यहाँ पे अगर स्पर्ट आएगा तो शायद निफ्टी लीड करेगी, और जब बैंक निफ्टी और निफ्टी टॉप में आई तो बैंक निफ्टी इस एंगल के ऊपर नहीं निकली, लेकिन निफ्टी जो है वो एंगल के ऊपर निकली। एक्चुअली करना ये चाहिए था कि इस एंगल को ये ऊपर जाने के बाद जो नीचे आया तो यहाँ पे शिफ्ट होता, तो थोड़ा सा ये शिफ्ट नहीं कर पाई, मतलब निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई। तो मैं भी एक्चुअली क्या हुआ, मैंने यही एंगल मेंटेन किया तो मैं सोचा कि ये ठीक है इसके ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो ही तेजी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ से जोर से सेलिंग आ गई और निफ्टी के स्टॉक्स में सेलिंग आई, और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में उतनी सेलिंग नहीं दिखी, इसके लिए बैंक निफ्टी नहीं गिरी। तो निफ्टी स्टिल स्ट्रांग क्यों है उसका वजह मैं बताता हूँ। चलो पैनिक सेलिंग आ गई वो बात सही है, फर्स्ट थिंग ये लो के नीचे ये लो मारा तो सेलिंग कहाँ पे होने वाली है, एक्चुअल सेलिंग जो है लो का नीचे डाउनवर्ड एंगल जब टूटा है तो ही सेलिंग आएगी, तो एक्चुअली वो एग्जैक्ट जाके वहां पे रुक गई। अब ये जो शार्प सेलिंग थी वो बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग थी, 200 पॉइंट के आसपास, मतलब एग्जैक्ट 220 पॉइंट है यहां से जो बहुत जोर से आई, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टाइम एंगल ने कितना अच्छा काम किया है, लो से सपोर्ट यहां पे, अगर कोई यहां पे पोजीशन शॉर्ट की करता या जो भी है बाय की भी एग्जिट करता तो भी इसको एंट्री यहाँ पे वापस मिलती थी, लेकिन यहाँ से अगर आप, मैं बोलता हूँ कि जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक तो डरने की ज़रूरत नहीं, आज का ही लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये लो के नीचे, ये लो मारना बहुत इजी होता है। मॉर्निंग में समझो नीचे ओपन हुई है और वापस जोर से ऊपर आई तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मैं बाइंग जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि ये लो के नीचे ये लो मारा, यहाँ पे हाई के ऊपर जाएगा तो वो बाय हो जाएगा, तो लो के नीचे लो ज्यादा प्रिफरेबल रहता है। यहाँ पे देखिए एकदम माइनर, ये लो के नीचे ये लो मारा या हाई के ऊपर उसने खट करके मूवमेंट दी, तो ये भी एक सपोर्ट है। ये टाइम एंगल तो है ही, ये मतलब छोटा छोटा भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा। तो बड़े में अगर ये लो के नीचे लो मारा तो और सस्टेन नहीं हुआ, मतलब सस्टेन हो नहीं हुआ नीचे और खट करके ऊपर आ गई, तो आप वही लो का स्टॉप लॉस पकड़ के आप ट्रेड को पकड़ सकते हो और वापस एक बार 22,200 आने की चांसेस है। लेकिन एक्सपायरी में इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी कि अब वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये जोन हमारा कल का ट्रेडिंग जोन रहेगा। 22,200 मूवमेंट आई तो भी 200 पॉइंट ऊपर ही हो जाती है, तो एक्सपायरी में वो गड़बड़ होगी कि 22,200 का कॉल उतना वर्क नहीं होगा। तो जितना आप नज़दीक का आप करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके नीचे मतलब 22,000 है तो 22,000 का कॉल में आप करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं आपको समझा दिया है कि यहाँ पे सेल सिग्नल इसके नीचे ही होने वाला है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरे ख्याल से ये सेल नहीं होएगा, ऊपर में हमको मूवमेंट मिलेगी पक्की। अभी आपको और एक चीज दिखा देता हूं कि यहां से जैसे कि हमने ये सेल अटेम्प्ट के लिए पकड़ा है, लेकिन अगर हमने ये हाई से इसको क्लोन करके अगर मैंने यही टाइम एंगल यहां पे डाला, तो वो एक चीज आपको और एक बता देगी कि अपवर्ड टाइम एंगल यहां से नीचे से जो डाला है वो, और ये टाइम एंगल, तो यहां से अगर सेलिंग हो जाती है 22,000 के नीचे सेलिंग हो जाती है तो हमको फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है 21,800 और 700 के बीच में रहेगा। फिर इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। और एक बात यह है कि अगर ये हाई के ऊपर गया है तो हम लोग गैन परसेंटेज से देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 1.2 पे रुका हुआ है और यहाँ पे 900, हाँ 21,950 विल बी द वेरी क्रूशल पॉइंट जो टूटना नहीं चाहिए। अगर 21,950 टूटती है तो 21,824 पे आप बाइंग का लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। 21,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और कल एक्सपायरी है, नीचे 200 पॉइंट या ऊपर 200 पॉइंट ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे मार्केट कंडीशन रहेगी आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, और अगर समझो लकीली ऊपर ओपन हुई तो मैं बोलूँगा कि ऊपर वो ज़्यादा ओपन हुई तो वापस एक बार सेलिंग आ सकती, क्योंकि ये सेलिंग के सामने वापस एक बार ऊपर होने से सेलिंग आई जाएगी, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप छोड़ के वापस एक बार सेलिंग का यहाँ पे काम कर सकते हो। और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाते तब तक बाइंग का अटेम्प्ट मत कीजिए, यहाँ पे बाइंग कीजिए, यहाँ पे बाइंग कीजिए और यहाँ पे सेलिंग का काम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ना टाइम एंगल की कंसेप्ट लोगों को पता चले। मैं टाइम एंगल की कंसेप्ट के लिए मैंने बहुत लर्निंग वीडियो डाले हुए हैं, आप जरा चेक कर लीजिए कि टाइम एंगल क्या है। ट्रेंड लाइन अलग है, टाइम एंगल अलग है, लेकिन टाइम एंगल की कंसेप्ट को आप समझिए। लोग ये समझते हैं कि टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन एक ही है, लेकिन वैसे नहीं है, टाइम एंगल बहुत अलग है। सिर्फ आप एग्जीक्यूशन कर पाए तो आप इसका ताकत समझ जाएंगे, बहुत ताकत है, सिर्फ आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने को आना चाहिए। अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन में चूकेंगे तो फिर तो जो सबका हाल होता है वही हाल है, लेकिन टाइम एंगल बहुत बढ़िया है, आप प्लीज उसको यूज कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।